हमारे साथ कांग्रेस लीडर महाबल मिश्रा साहब है। सर, जिस तरीके से साबिक वजीर आला शीला दीक्षित ने बयान दिया कि अगर मैंडेट नहीं आया तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करेगी, कैसे देखते हैं आप इसे? मैं कहता हूं शीला दीक्षित का ये निजी विचार है, पार्टी चुनाव लड़ रही है सरकार बनाने के दृष्टिकोण से, अरविंदर सिंह लवली जी के नेतृत्व में चुनाव सरकार बनाने के दृष्टिकोण से लड़ा जा रहा है, बल्कि किसी को समर्थन देने के लिए नहीं। और कांग्रेस पार्टी 15 साल काम किया, विकास किया, धोखा नहीं दिया है। धोखा देने वाला जो देश को दो आदमी धोखा दे रहा है, एक देश को और एक दिल्ली को, लोग समझ रहा है। लोग पूछ रहा 15 लाख कहाँ है, लोग पूछ रहा बिजली का और पानी का जो बिल माफ़ करने वाला वो कहाँ है, लोग पूछ रहा सरकारी नौकरी में परमानेंट करने वाला वो कहाँ है, 49 दिन में क्यों भागा, सवाल यहाँ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी विकास किया, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, झूठी वादा नहीं करेंगे, इस विश्वास के साथ चुनाव लड़ रही है। क्या इस तरह के बयान से पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता, उनका मनोबल नहीं गिरता है? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत विचार है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इस पर प्रभावित नहीं होता है, उनका व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत उनका राय है, वो जाने। व्यक्तिगत राय दे, अगर इस तरह का व्यक्तिगत राय आए तो क्या आला कमान को इस पर नोटिस नहीं लेना चाहिए? आला कमान को गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए, ये है, लेकिन वो आला कमान का काम है, वो मेरा नहीं है। इस तरह महाबल मिश्रा साहब का साफ कहना है कि साबिक दिल्ली के साबिक वजीर आला शीला दीक्षित का जो बयान है, इस पर आला कमान को एक बार फिक्र जरूर करनी चाहिए, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक सवाल है कि वजीर आला शीला, साबिक वजीर आला शीला दीक्षित से आला कमान कौन सा सवाल उठा सकता है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ नजरुल्ला, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।